1947 बंटवारा, दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है, ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे भी छूट गए। गदर 2 फिल्म के किस सीन के लिए निर्देशक अनिल शर्मा ने डाल दी थी अपने बेटे की जान खतरे में? आखिर किस वजह से गोविंदा ने कर दिया फिल्म गदर के लिए मना? फिल्म के किस सीन के लिए निर्देशक अनिल शर्मा ने डाल दी अपनी बेटी की जान खतरे में, यह जानने के लिए जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ प्रशा, आपकी आज की होस्ट। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म गदर लुधियाना के रहने वाले बूटा सिंह की कहानी से प्रेरित था, जिसने विभाजन की हिंसा के दौरान जैनब नामक एक मुस्लिम महिला से शादी की थी। जब जैनब को कुछ साल बाद पाकिस्तान वापस ले जाया गया तो बूटा सिंह ने उसका पीछा किया। इस्लाम में बदलने के लिए सहमत होने के बावजूद बूटा सिंह को जैनब ने उकसाया, जिसने उसने आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। ये कहानी पहले ही मनोज पुंज के पंजाबी प्रोडक्शन शहीद मोहब्बत बूटा सिंह में 1999 में आई थी, जिसमें गुरदास मान और दिव्या दत्ता ने अभिनय किया था। गदर के निर्देशक अनिल शर्मा ने पाकिस्तान में पॉट शॉट लेने के लिए परफेक्ट की इस सतर्क कहानी का इस्तेमाल किया। 2000 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध केवल 2 साल पहले हुआ था। गदर भले ही समय से पीछे चला गया हो, लेकिन इसका पाकिस्तान विरोधी दृष्टिकोण दृढ़ता से उस अवधि से था जिसमें फिल्म का निर्माण हुआ था। शर्मा की पिछली फिल्मों में हिट हुकूमत और तहलका शामिल है। अब खबर है कि निर्देशक इसका सीक्वल बनाना चाहते हैं। अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन आपको बताते हैं पहली फिल्म से जुड़ी कुछ पुराने किस्सों के बारे में। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर साल 2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 19 साल गुजर जाने के बावजूद इस फिल्म को टीवी पर काफी देखा जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपने बेटे की जान जोखिम में डालकर गदर में सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे गीते का किरदार फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने निभाया था। दैनिक भास्कर से बातचीत में उन्होंने बताया कि एक सीन के लिए उन्होंने अपने बेटे की जान दांव पर लगा दी थी। अनिल शर्मा के मुताबिक फिल्म के एक सीन में सनी को ट्रेन के ऊपर अमीषा पटेल के साथ एक बोगी से दूसरी बोगी पर दौड़ते कूदते हुए जाना था। इस सीन में सनी के कंधे पर उत्कर्ष था। बकौल गदर के डायरेक्टर, जब ये सीन शूट कर रहे थे उस दौरान ट्रेन 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अनिल आगे कहते हैं, उनके लिए ये देखना काफी मुश्किल था, उनकी छोटी सी गलती उनकी बेटी की जान ले सकती थी। ट्रेन रुकी और कट की आवाज आई, तब उन्होंने आंख खोली, उन्होंने देखा उत्कर्ष सनी के साथ खेल रहा था। तब निर्देशक ने राहत की सांस ली। गदर फिल्म 18 करोड़ रुपए की लागत में बनी थी। फिल्म में 70 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया। अभी ये फिल्म रिलीज होती तो ये 5000 करोड़ रुपए का कलेक्शन जरूर करती। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा अब फिल्मों में भले ही ना नजर आते हों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पूरे बॉलीवुड पर उनका ही राज था। 80 और 90 के दशक में गोविंदा ने एक से बढ़कर एक फिल्में की थी जो सुपरहिट होती थी। यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये कहा जाने लगा था कि अगर गोविंदा फिल्में नहीं करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हालांकि अपने करियर के पीक पर गोविंदा ने बहुत सी फिल्में को रिजेक्ट किया। गोविंदा के हाथ से सबसे सुपरहिट फिल्म नकली थी गदर, जो सनी देओल के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म साबित हुई। गदर एक प्रेम कथा फिल्म, देखने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता कि इस फिल्म में सनी की जगह कोई और ले सकता है। हालांकि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सनी देओल से पहले ये फिल्म गोविंदा को ऑफर हुई थी। एक इंटरव्यू में खुद गोविंदा ने इस बारे में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गदर के मेकर्स उनके पास इस फिल्म को लेकर आए थे। उन्होंने फिल्म पसंद भी की थी, लेकिन एक खास वजह से उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी।
गोविंदा ने बताया कि इस फिल्म में तारा सिंह का जो रोल दिखाया गया था उसके लिए वह खुद को इतना फिट नहीं मानते थे। ऐसे में उन्हें लगा कि ये रोल उनके इमेज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता और वो इस रोल के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। यही वजह थी कि फिल्म की कहानी पसंद होते हुए भी गोविंदा ने ये फिल्म ठुकरा दी और सनी की किस्मत में एक सुपरहिट फिल्म आ गई। गोविंदा के फिल्मी करियर की बात करें तो वह पिछले काफ़ी समय से बड़े पर्दे से दूर हैं। वो कुछ फिल्मों में भी नजर आते हैं लेकिन उनकी फिल्में चलती नहीं हैं। गोविंदा को आखिरी बार पार्टनर और भागम भाग के उनके कॉमिक रोल के लिए पसंद किया गया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बॉलीवुड की ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। ये कहानी लिखी है आद्या शर्मा ने। धन्यवाद माने।